तो बस हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, और वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम बात करते हैं शुरुआत से। तो शुरुआत में क्या मानते थे आप कि आपके पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट होंगे? नहीं, कुछ एलिमेंट है जो जनरली हम सब देखते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो बहुत जेन्यून आपको दिखते हैं चारों ओर। तब तक तो हमारा काम चल रहा था, लेकिन सोचिए कि अगर ये एलिमेंट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा कि एलिमेंट्स एक के बाद एक नए नए आने लगे, और हमारे पास एक नीड होने लगी। नीड किस बात की थी? कि उनको हम किस तरह से याद करें। शुरुआत में याद करना ठीक था, आसान था, लेकिन धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ने के साथ इनको याद करना मुश्किल था। और उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको याद करने के लिए अप्रोचेस दी, ट्रिक्स दी और थ्योरी दी। तो आज हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं, क्या आज पीरियोडिक टेबल जो हम देख रहे हैं, क्या वो वैसी थी जो पहले थी? नहीं, पीरियोडिक टेबल तो तब आई जब आज 100+ एलिमेंट्स आपके सामने, लेकिन उस समय जब 20-30 थे तो किस तरह से हम इसको देख रहे थे? तो किस तरह के साइंटिस्ट थे, उनके विचार दिमाग में किस तरह के थॉट्स थे, वो सभी पॉइंट्स हम एक एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम किस तरह के हमारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। प्रोस्ट था, उसने बताया, क्या बोला एक बार पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। मेड एन अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस दैट ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंक्रीज मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट दिस क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि शुरुआत में हर एक एटम को ये माना जाता था कि वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है यानी कि बड़ा मॉल एटम है तो उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन एटम मिले और छोटा एटम है तो कम हाइड्रोजन मिले। लेकिन ये लेवाइजर ने बाद में रिजेक्ट कर दिया, बाद में जाके, कि भाई अलग अलग न्यूक्लिया ये अलग अलग एलिमेंट है, आप इनको एक हाइड्रोजन की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी आई और चली गई। फिर जब पता चली गया कि अब ये अलग अलग एलिमेंट हैं, तो क्लासिफिकेशन आया डोब्रिनियल लॉ ऑफ ट्रायड्स। इसने क्या कहा देखते हैं। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स जिसको हम ट्रायड बोलते हैं, हैविंग सिमिलरिटीज इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ही ऑल्सो नोटिस दैट एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट वॉज नियरली अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। वो ये कहना चाहता है कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप उनको ग्रुप में बनाओ, तीन तीन के ग्रुप में बना दो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और उन ग्रुप के सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, फिजिकल, केमिकल। और ये हमारे पास आ रहा था कि उनमें एटॉमिक वेट अगर आपको किन्हीं दो के याद हैं तो बीच वाले का उन दोनों का मीन होगा, यानी कुल मिला के जो मीन एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट भी क्या होगा, मीन रहेगा। तो यहाँ एटॉमिक वेट याद करना आसान था, उसकी प्रॉपर्टीज भी उन दोनों के बीच की ही कोई प्रॉपर्टीज आ रही थी। तो चलिए ठीक है, तो ऐसे कौन से ट्रायड थे, ट्रायड का मतलब ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैं उनको याद करने के लिए उसने बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, इन सब के बहुत सारे पॉइंट्स सिमिलर आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जो सोडियम का एटॉमिक वेट है वो लिथियम और पोटेशियम के बीच की कोई वैल्यू होता है। तो हमारा काम चल गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, जो कि इन दोनों के बीच की वैल्यू है, 23 आ गया। इज दैट क्लियर? आप कैलकुलेशन देख सकते हैं बोर्ड पर। नेक्स्ट, ऐसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ब्रोमीन सेंटर एटम है और उसका एटॉमिक वेट क्लोरीन और आयोडीन के बीच की वैल्यू है, जो कि आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में मैंने मीन निकाला 81.25 है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू 80 आ रही है। तो अप्रॉक्सीमेट तो है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, अप्रॉक्सीमेट है। नेक्स्ट, ऐसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम भी है, जो हमारे पास कैल्शियम का हमारे पास 40 और बेरियम का 137, उनका मीन वैल्यू निकाला 88.50 और स्ट्रॉन्शियम का 88 आता है, यानी ये भी अप्रॉक्सीमेट है। तो हमारी थ्योरी लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहे थे, क्या बनने वाले ये तीनों ट्रायड एक ही ग्रुप से होंगे? शुरुआत में तो लगा हाँ, कि भाई सोडियम, पोटेशियम और लिथियम एक ही ग्रुप के हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी एक ही जगह है, और कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम भी एक ही ग्रुप के हैं। लेकिन ठीक है, डोबेरियन ने नहीं बताया, लेकिन जब हम बाद में जाने लगे तो ऐसे ट्रायड हमारे को एक पीरियड में भी मिले, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक्सेस्ट्रा। तो ऐसे ट्रायड मुझे कहाँ मिले? डी ब्लॉक के अंदर मिले। तो चलिए उनको भी हम ट्रायड बोल सकते हैं। तो ये ट्रायड जरूरी नहीं था कि एक ग्रुप में हो, पीरियड में भी हो सकते थे, क्योंकि उसने कहीं पर भी अपनी थ्योरी में मैंशन नहीं करा कि ग्रुप में ही होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ट्रायड ट्रायड है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं और किसी भी तरह से हो सकते हैं, वो एक ग्रुप के हो सकते हैं, एक पीरियड के हो सकते हैं, और हो सकता है वो दोनों ही चीज़ें अलग हो। तो
नेक्स्ट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जब ट्रायड हो गया तो फिर हमारे पास नया आया, साइंटिस्ट एलिमेंट बढ़ते गए, साइंटिस्ट चेंज होते गए, थ्योरी चेंज होती रही, तो सब मिलके एक बार में डिसाइड नहीं करना चाहते थे कि क्या देना है। सिंपल सा है, हमें इतना क्यों पढ़ना पड़ता, थोड़े दिन वेट कर लेते, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो इसने क्या बोला, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने 1863, बहुत साल हो गया, ठीक है मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, अच्छा मेरे, ठीक है मैंने पिछले जन्म में दिया होगा। क्या बोल रहा था इसने, द एट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन वन इज ए काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट इफ अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लाइक द एट नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। भाई ये जो हमारे न्यूलैंड है, ये म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन थे। इन्होंने कहा जैसे म्यूजिक में नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा नीसा, तो वापस एट नोट जो होता है वो वापस पहले वाला ही होता है। तो मैंने भी इसकी बात मान ली। तो यहाँ हमारे पास एलिमेंट है, और एलिमेंट में भी कुछ इस तरह का ही होता है कि आप एलिमेंट को अगर जमा रहे हो, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फिर आ रहा है एट नंबर पे सोडियम, तो वो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के जैसी होगी, फिर उसके बाद जो एट आएगा वापस उसकी प्रॉपर्टी भी इन दोनों के अकॉर्डिंग होगी। तो सामने जो मैंने टेबल बना रखी है, ये एक तरह से न्यूलैंड लॉ को बताती है, और हर एट एलिमेंट एक दूसरे के जैसी प्रॉपर्टी देखेगा। इसका एट एलिमेंट कौन है, ये बेरिलियम का कौन है, मैग्नीशियम, बोरोन का कौन है, एल्यूमिनियम। लेकिन आप सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर इनर्ट गैस आ जाती बीच में तो फिर एट की जगह क्या बोलना पड़ता आपको, नाइन। लेकिन उस समय 83 की बात है, उस समय कहाँ इनर्ट गैस थी, तो इनर्ट गैस की उस वक्त डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो हमें क्या मालूम क्या है। तो आगे नेक्स्ट इसके पॉइंट्स हम लिखते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क क्वाइट वेल फॉर लाइटर एलिमेंट बट हेवियर, बट फेल्ड विद हेवियर। ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ डी ब्लॉक आ जाएगा तो आठ की जगह आपको क्या बोलना पड़ेगा, 18, यानी 18, और एफ ब्लॉक भी आ जाएगा तो एट की जगह 18, 18 की जगह फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, 32, बहुत बड़ा चीज है, तो हेवियर एटम में तो नहीं लग रहा ये। लेकिन उस समय थे भी नहीं एलिमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई साइंटिस्ट अपोज भी इनमें नहीं बोल सकता था। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर नॉट टेकन इन टू अकाउंट दैट एंड ओनली द एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटोमिक मास। तो ठीक है, ये भी पॉइंट हमारे लिए सही है कि क्या कहना चाह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वर नॉट टेकन इन टू द अकाउंट एंड ओनली द एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटोमिक मास, यानी हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज को नहीं देखा, एटोमिक मास के रूप में जब आते गए, और बीच में अगर कोई एलिमेंट नहीं मिला हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब आगे नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो हमारे पास पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, जब हमारा ऑक्टेव ने हमें जवाब दे ही दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ऑक्टेव गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट बहुत सारे ड्रॉबैक रहे। पहला जो हमारा ड्रॉबैक रहा वो ये था कि जब इनर्ट गैस आएगी तो उसके बाद क्या करोगे, तो देखिए बहुत, और होना भी था, इनर्ट गैस आ भी गई, तो ये हमने सारी थ्योरीज हमारे लिए आउटडेटेड हो गई। नेक्स्ट, तो फिर कौन आया, लॉथर मेयो मेयर। लॉथर मेयर ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को उस वक्त कलेक्ट किया और उनकी प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास के साथ देखा, जैसे उनकी क्या बोल सकते हैं हम, उनके एटॉमिक मास के साथ उन्होंने डेंसिटी देख लिया या उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज को बात करने लगे। तो फिलहाल तो मैं डेंसिटी के साथ कर्व देखने की कोशिश करता हूँ। लोथर मेयर 1869 में दिया, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम एक्सेट्रा टू रिलेटेड सिमिलरिटीज एमंग, ठीक है, एमंग पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट्स वर फाउंड टू ऑक्यूपाई सिमिलर पोजिशंस। तो कहने का मतलब ये था भाई, सिंपल से आप समझ लो कि सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो कर्व में सेम जगह देखने को मिल रहे थे, यानी कर्व आप देख रहे थे ये शेयर बाजार की तरह जिगजैग दिख रहा है मुझे, तो जब पीक आता है तो पीक वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, बॉटम आता है तो बॉटम वालों की एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, यानी सेम प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सेम पोजीशंस इन द लोथर मेयर कर्व, एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं। और इस तरफ एटॉमिक मास ले लिया, इधर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम, डेंसिटी, कुछ भी रख लो आप। तो चलो यहाँ जो कर्व बनाया वो वॉल्यूम में, और वॉल्यूम मैंने सेंटीमीटर क्यूब और एटॉमिक मास एएमयू में लिया, ठीक है, और खैर सेंटीमीटर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय कुछ और भी रहेगा क्योंकि इतना वॉल्यूम नहीं होता। फिलहाल अपन समझते हैं कि जब मैंने ये कर्व बनाया तो मैंने क्या देखा, जो कि टॉप पोजीशन है वहां पर मेरे अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल जानते हो,
जो फर्स्ट ग्रुप दिखता है ना पीरियोडिक टेबल में, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रांशियम, वो है अल्कली मेटल। तो वो सेम पोजीशन पे लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम सेम पोजीशन पे, तो अच्छी बात है। दूसरा बेरेलियम मैग्नीशियम, ये जो हमारे पास है बेटा मांगे कन्या सीजियम कन्या सुंदर स्ट्रांशियम, तो वो सारे हमारे पास कहाँ है सेम पोजीशन है। और इसी तरह से ये बेरेलियम आएगा हमारे पास, तो सीजियम हमारे पास कहाँ आएगा पोटेशियम सीज यहाँ पर, पोटेशियम कैल्शियम शुरू से करते हैं, सोडियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, इस तरह से चलेगा सोडियम मैग्नीशियम और फिर पोटेशियम कैल्शियम रूबिडियम स्ट्रांशियम, यानी जब नीचे गिर रहा होगा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आपको देखने को मिलेगा। दिख रहा है यहाँ लिथियम के बाद बेरिलियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, रूबिडियम के साथ स्ट्रांशियम। और दूसरी तरफ चढ़ते वक्त सोडियम से पहले फ्लोरीन, पोटेशियम से पहले क्लोरीन, रूबिडियम से पहले ब्रोमीन। तो ये हमें जब हम चढ़ रहे हैं तो सेम हेलोजन एलिमेंट हमारे को ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरह से हमारे को देखने को मिल रहा है। तो चलिए, तो आ गया या नहीं समझ में आया, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। और जो आपके पास डी ब्लॉक है, यानी उसको बोल सकते हैं आप ट्रांजिशन मेटल, वो नीचे दिखाई देंगे एक साथ, जैसे ये थोड़ा सा बोर्ड सा हो जाएगा, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर, ये नीचे की तरफ, इधर नेप्चुनियम रूथेनियम मॉलिब्डेनम रूथेनियम कैडमियम, वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझिए ऊपर कौन दिखाई दिया आपको, ठीक है अल्कली मेटल, फिर नीचे गिरते वक्त अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऊपर चढ़ते वक्त हेलोजन मेटल्स, नीचे ही नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये पॉइंट्स आपको रखना है याद। एक बार और बोल देता हूँ, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम नॉन अल्कली मेटल एट दैट टाइम हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर एट द पीक ऑफ द कर्व, ठीक है मैं भी यही बोल रहा हूँ। सेकेंड बाय प्लॉटिंग एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास लोथर मेयर कर्व्स ऑब्टेन कर्व हैविंग शार्प पीक्स एंड बोर्ड मिनिमा, ही आल्सो नोटिस दैट अल्कली मेटल हैविंग, ये तो अपन ने लिख ही लिया है, अल्कली मेटल्स हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मैक्सिमा ऑफ द कर्व, अल्कलाइन अर्थ मेटल इज लाई एट अबाउट मिड पॉइंट ऑन द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। थर्ड पॉइंट द हेलोजन्स ऑक्यूपाई पोजिशन ऑन असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। नेक्स्ट फोर्थ द ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई एट द मिनिमा ऑफ द कर्व। तो ये देखिए सब साइंटिस्ट थे, अपना टाइम निकाल रहे थे, क्योंकि उस समय ना आपके पास एलिमेंट्स थे और ना आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, तो जिसने जो दिया हमने सबको रेस्पेक्ट दिया। अब साइंस चेंज होने लगी, मैं बात कर रहा था 89 की, अब मैं आ गया 1900 की। हमें पता चला कि यहाँ तक जो काम चल रहा था बेसिक प्रॉपर्टी जितनी भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी ये सब एटॉमिक मास से रिलेट कर रहे थे। देखो शुरू से लेके अभी तक कोई भी एटॉमिक नंबर पे नहीं आया था और ज़्यादा इज्जत भी नहीं मिलती थी एटॉमिक नंबर की, लेकिन कई बार देखा है कि जिसको शुरुआत में इज्जत नहीं मिलती बाद में बहुत मिलती है, तो और बहुत ही ज़्यादा मिलने लगती है फिर। तो एटॉमिक नंबर को जो उसको नहीं मिल रही थी वो अचानक जब मिलने लगी तो खूब मिली और आज भी मिल रही है। तो हर प्रॉपर्टी अब हम एटॉमिक नंबर से डिफाइन करने लग गए। तो क्यों करने लगे उसके पीछे की कहानी है जो हम इसको बात देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अगला पोर्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा मोजले एक्सपेरिमेंट और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद जो नई पीरियोडिक टेबल आई वो हम एक साथ देखेंगे। तो पहले तो मेंडलीव आया, फिर मोजले आया, और फिर उसके बाद और भी कुछ हमारे पास आएंगे। तो चलिए हम वापस पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल के लिए यहीं तक, लेकिन इसको अच्छे से समझ लो, ओके। ईजी चैप्टर है, पहला चैप्टर है, मज़ा आएगा, ठीक है।